हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और टाइटल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। जी हाँ, आज मैं आपके सामने लेकर के आ गई हूँ इसी प्रोडक्ट का रिव्यू जो कि मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाया था कि मैं आपके साथ बहुत जल्दी लॉरियल पैरिस इनफेरेबल 24 आवर्स फाउंडेशन का रिव्यू करूंगी। तो ये आपको पता है मेरे पीआर पैकेज में आया है, मैंने खुद से बाय नहीं करा है, ब्रांड ने मुझे ये भेजा है इनके फाउंडेशन के बारे में आपको बताने के लिए। लेकिन मैंने आपको पहले ही अपने वीडियोस में अपने चैनल में बता रखा है लॉरियल पैरिस इनफेरेबल 24 आवर्स फाउंडेशन के बारे में। मैंने इसका एक डेडिकेटेड वीडियो, तो 1.5 साल पहले मैंने आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता चुकी हूँ मैं, और बहुत सारे मैंने मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाए हैं जिसपे मैंने आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताया है। बट आज मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी जो कि है ट्यूब फॉर्म में और जो कि है प्रो मैट इनफेरेबल 24 आवर्स। है वही चीज़ बट आपको ये ट्यूब फॉर्म में मिल रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली और बहुत ही कंफर्टेबल है आपको यूज़ करने में, क्योंकि कांच की बॉटल जो थी वो थोड़ा सा रिस्की था यूज़ करने में। एक्चुअली वो बहुत महंगा प्रोडक्ट भी है, अगर गिर जाएगा तो वो टूट जाएगा, लेकिन आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ करने में बिल्कुल भी डर नहीं है और आप बिल्कुल आराम से ट्रैवल करते समय इसको, इतना स्लीक सा है ना, आप अपने बैग में रखेंगे और आराम से कैरी कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए ये इस पैकेजिंग में आया है, ये देखिए बहुत बड़े से कार्डबोर्ड का पैकेजिंग है जिसके ऊपर लिखा है लॉरियल पैरिस इनफेरेबल 24 आवर्स फाउंडेशन। तो ये देखिए इसमें टोटल 8 शेड हैं जो कि 101 से लेके 108 तक का शेड रेंज दिया हुआ है। मैं आपको अपने फेस पे इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि अगर आप खरीदना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को तो आप मेरे शेड रेंज से देख सकते हैं कि आपका कौन सा शेड है जिसे आप आराम से बाय कर सकते हैं। पैकेजिंग की बात हो गई बाहर कार्डबोर्ड की, चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्ट के पैकेजिंग की। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है ट्यूब फॉर्म में, बहुत ही स्लीक सा है और पूरा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके ऊपर लिखा हुआ है लॉरियल पैरिस अप टू 24 आवर्स फाउंडेशन इनफेरेबल प्रो मैट फिनिश एयर लाइट ऑयल फ्री 30 ml प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो इसकी कांच वाली बॉटल थी ना वो भी 30 ml की ही बॉटल थी और ये प्रोडक्ट जो है वो भी 30 ml का ही प्रोडक्ट है। तो अब बात कर लेते हैं इसके पीछे जो लिखा हुआ है वो क्या है। तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि जो फिनिश है वो डेमी मैट है, बट मैंने इसको अप्लाई किया है तो ये मुझे तो मतलब अच्छा मैट नज़र आ रहा है, प्योर मैट ही नज़र आ रहा है। इसके बाद आपको बिल्कुल भी कॉम्पैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है वेयर अप टू, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 24 आवर्स, तो 24 आवर तो नहीं बट हाँ मैंने 12 आवर्स इसको अप्लाई किया है और जो कि बहुत ही अच्छा इसने वर्क किया है। यहाँ पे लिखा है कवरेज, तो यहाँ पे लिखा है मीडियम, तो जी हाँ ये लो टू मीडियम कवरेज है। अगर आपको इसका हाई कवरेज चाहिए तो आप इसकी डबल लेयर यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंगल लेयर यूज़ करी है जो कि काफ़ी अच्छी फिनिश दे रहा है। नेक्स्ट है टेक्सचर एयर लाइट, तो बिल्कुल ये बिल्कुल एयर लाइट है। इसको लगाने के बाद मुझे बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ लगा रखा है और आप भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिनिश आपको नज़र आ रही होगी। फ्रेंड्स ये जो प्रोडक्ट है ये डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो आप बिना किसी थॉट के इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं और आप सभी को बताया कि लॉरियल के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कितने अच्छे होते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपको अपना मेकअप करके दिखा दूंगी कि ये मेरे ऊपर कौन सा शेड सूट करता है और आपके ऊपर कौन सा सूट होना चाहिए। आपको इस फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले अपने फेस को टोन करना होगा, तो मैं यहाँ पे टोनर की जगह यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का रिवाइटल एसेंस, जिसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। आप देख सकते हैं इस बॉटल का कितना क्वांटिटी बचा है, ये देखिए। तो मैं इसको पिछले 20-25 दिनों से सुबह और शाम, मतलब मॉर्निंग में और नाइट में यूज़ कर रही हूँ, तो इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसको लगाने के बाद आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है अपने फेस पे लगाने की। तो देखिए, मैंने इसको लगा लिया है और ये बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो गया है, मेरे स्किन को ऑब्जर्व हो गया है। तो इसको लगाने के बाद आपको अपनी स्किन पे लगाना है प्राइमर, जो मैं अभी नहीं लगा रही हूँ, और उसके बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई, इस तो आपको लगाना है मॉइस्चराइज़र, बट मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है और मुंबई का मौसम तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होती है, तो मुझे इस समय ज़रूरत नहीं है मॉइस्चराइज़र लगाने की। तो अब मैं यहाँ पे लगाने जा रही हूँ अपना फाउंडेशन, जो कि मेरा शेड है 104। तो मैंने अपने स्किन टोन के हिसाब से 104 लिया है। तो चलिए इसको मैं अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ। तो अभी आपने देख ही लिया था कि मैंने आपको किस तरह से अपना शेड जो है वो चूज़ करना बताया था। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ अपने फेस पे। कोई भी फाउंडेशन कभी भी अप्लाई करिए, आपको हमेशा अपने फाउंडेशन को डॉट डॉट के फॉर्म पे लगाना होता है। मैंने अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स में सारे मेकअप में आपको बताया ही है, और ये फाउंडेशन मैं पिछले 1.25 साल से यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने आधे फेस पे ये लगा लिया है, अपने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से धुल करके, मतलब पानी में भिगो करके निचोड़ लिया है, और बस कुछ इस तरह से हमें अपने फाउंडेशन को डैप डैप मोशन में अप्लाई कर लेना है, ये देखिए। और ये फाउंडेशन मैं पिछले 1.5 साल से, जैसे मैंने बताया, यूज़ कर रही हूँ, तो इसकी स्टेइंग पावर काफ़ी अच्छी है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको 24 घंटे अगर इसमें लिखा है तो 24 घंटे तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपको 8 से 9 घंटे इस फाउंडेशन को अप्लाई करके कहीं जाना है शादी पार्टी में, तो आप बिना किसी सेकेंड थॉट के आराम से जा सकते हैं, ये देखिए। तो अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिश आपको दिख रहा होगा। अपने कान में भी अप्लाई कर लीजिए, नेक में भी नीचे कर लीजिए। तो ये है मेरा बेयर फेस, जो कि सिर्फ एसेंस लगा हुआ है और इसमें लगा है फाउंडेशन, तो आप देख सकते हैं। चलिए अपने दूसरे फेस पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, मतलब कि दूसरे चीक पे भी अप्लाई कर लेती हूँ उसी मेथड से। ये देखिए, अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं कंफर्टेबल होता है तो आप, अगर ब्रश से कंफर्टेबल हैं तो ब्रश से भी कर सकते हैं इसको ब्लेंड, वरना आप अपने हाथों की उंगलियों से, टिप से भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फाउंडेशन आपको ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करना है। जिस चीज़ से आपको अच्छा लगता है आराम से आप ब्लेंड कर लेते हैं, आपको उसी मेथड से अपने फाउंडेशन को लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप TV पे देख रहे हैं या फिर आपने कोई वीडियो, जैसे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे अप्लाई करना। हाँ, वो बात अलग है कि आप देख करके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो आपको सबसे अच्छा मेथड लगता है आपको उसी तरह अप्लाई करना चाहिए अपने फाउंडेशन को। तो देखिए, मैंने दोनों फेस पे फाउंडेशन लगा लिया है, मतलब दोनों चीक पे फाउंडेशन लगा लिया है, और कितना अच्छा फिनिश आया है, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं मेरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई हो चुका है। इस समय मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मुझे इस पे कॉम्पैक्ट या पाउडर लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपकी स्किन जो बहुत ऑयली है या फिर आप बहुत ह्यूमिड प्लेस पे रहते हैं, जैसे मैं रहती हूँ, तो आप फाउंडेशन के बाद कॉम्पैक्ट अप्लाई कर सकते हैं या लूज़ पाउडर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ लॉरियल ट्रू मैच का ही कॉम्पैक्ट है, जो कि मैं पहले से ही यूज़ करती हूँ, आप लोग को पता है। तो बहुत हल्का सा मैं लूँगी और बस अपने टी जोन पे हल्का सा ब्रश कर दूंगी, जिससे कि बिल्कुल भी
ऑयली या फिर पैची नहीं लगेगा मेरा फेस। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं मैंने कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लिया है, लेकिन अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको बिल्कुल भी कॉम्पैक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मेरा फेस बहुत ज़्यादा फ्लैट लग रहा होगा। चलिए मैं अपना मेकअप पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपसे आके मिलती हूँ। मैं अपना मेकअप कर लिया है, अब सिर्फ मुझे लिपस्टिक अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे भी लॉरियल पेरिस की ही लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, जो कि शेड नंबर है 218 ब्लैक चेरी। ये देखिए, अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा बट मैं पहले भी अपने वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ, बहुत ही प्यारा रेड कलर है। तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा फाइनल फिनिश लुक और मैच करता है, वो आपको इजीली आप ले सकते हैं। और अगर आपका स्किन टोन मेरी स्किन से मिलता जुलता है तो आपको 104 या 105 ही अच्छे से सूट कर जाएगा। तो आप लोग आराम से इस वीडियो को देख करके अपने कलर को चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसा इन्होंने बताया है कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ट्रांसफ़र प्रूफ है। तो मैंने यहाँ पे एक वाइप लिया है और मैं आपके सामने इसको अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि क्या ये ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ये देखिए, एक बार और ट्राई करती हूँ और आप देख सकते हैं मैं कितनी तेज पुश कर रही हूँ। तो नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ये देखिए, आपने अक्सर नोट किया होगा जब आप मेकअप करते हैं और आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो आपका जो फाउंडेशन है वो फ़ोन पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फ़ोन पे तो मैंने ट्राई नहीं किया है अभी, क्योंकि मेरा फ़ोन एक्चुअली लगा हुआ है रिकॉर्डिंग पे और मैं आपको उसी वीडियो मतलब उसी फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए। तो मैंने आपको यहाँ पे टिश्यू पे करके दिखा दिया है और ये बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। ट्राई करूँगी कि ये वाटर रेजिस्टेंट है कि नहीं। इन्होंने ये भी दावा किया है कि इनका प्रोडक्ट वाटर रेजिस्टेंट है, तो चलिए ट्राई करती हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टोनर और मैं अपने फेस को वेट करूँगी टोनर से। तो आप देख सकते हैं मेरा फेस जो है वेट हो चुका है, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। और अब मैं इसको अपने वाइप से दिखाती हूँ आपको कि क्या ये वाटरप्रूफ है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वाटरप्रूफ भी है। ये तो मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन मैं इस प्रोडक्ट को पहले से यूज़ कर रही हूँ और मुझे पता है कि ये ट्रांसफ़र प्रूफ भी है और वाटर रेजिस्टेंट भी है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है और मुझे पता है कि ये पानी से इतनी जल्दी छूटता नहीं है। मतलब कि अगर आपको स्वेटिंग हो रही है और आपने वाइप कर दिया तो वो इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। और वैसे भी हम लेडीज़ें पसीने को रगड़ के नहीं पोछते हैं, उसको डैप डैप मोशन में ऐसे हमें पोछना चाहिए अपनी हैंकी या टिश्यू से, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, आपका जो स्वेट होता है पसीना होता है और आपका मेकअप बिल्कुल टस से मस नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको करके दिखा दिया। ये देखिए, करती हूँ 24 आवर्स के लिए। तो फ्रेंड, मैंने 24 आवर्स इसको यूज़ नहीं किया है और मुझे नहीं लगता कि ये फाउंडेशन 24 आवर्स चलेगा, लेकिन जी हाँ, मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप इसे 8 से 10 घंटे यूज़ कर सकते हैं। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको अपने लिए अगर लॉरियल प्रो मैट 24 आवर्स फाउंडेशन जो है ये आपकी स्किन टोन से मैच करता है, वो आपको इजीली आप ले सकते हैं। और अगर आपका स्किन टोन मेरी स्किन से मिलता जुलता है तो आपको 104 या 105 ही अच्छे से सूट कर जाएगा। तो आप लोग आराम से इस वीडियो को देख करके अपने कलर को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, आपको और यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो आपके फ्रेंड और फैमिली के लोग ये फाउंडेशन लेना चाहते हैं वो ईजिली इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ ये वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ आपको एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय।